सामने दिखाई दे रहा है ठीक से गांव, बहुत ही प्यारा। और हम वहां से चले थे, वो जो छोटन से दिख रहे हैं लाइन में, उसके सामने जो होटल था। धर्म चक्र को घुमाते हुए हम आ गए हैं ऊपर, और ये एक लामा खड़े हैं मेरे सामने। ये ड्रेस होती है इनकी, इस तरह के कपड़े पहनते हैं, लाल रंग के। और ये क्या चीज है सामने पीली बिल्डिंग? ये लाइब्रेरी है। अच्छा, इसी की? बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसी का पार्ट होगा ना? सही। ये है एप्रिकोट का पेड़, जिसे खुमानी कहते हैं, और छोटी छोटी बहुत ज्यादा खुमानी लगी हुई है, जो अक्टूबर नवंबर में पक जाती है। ये देखिए, एक ये भी हमारे साथ साथ आ गया था, लेकिन ये थक चुका है और यहाँ बैठ के नीचे के लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व कर रहे हो आप? इधर देख ही नहीं रहा, क्या रूठ गए हो? गुड बेबी है, थक गया? चलो देखो कि कैसे आराम से बैठा ये। वी फॉर विक्ट्री बना हुआ है पहाड़ों से, और बीच में बादल हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये जो बारिश बुरिश का फ्रेश वाटर रुका हुआ है, और ये देखिए सीनरी तो क्या गजब है। ये लोग अभी जो रात के रुके हुए थे वो वापसी कर रहे हैं, वो जा रहे उस पहाड़ में। छोटे छोटे दिख रहे हैं, बाइकर्स बहुत आते हैं आजकल। रोड तो है ही नहीं, कोई किधर से पगडंडी बना रखी है उधर से जा रहे हैं, कोई किधर से जा रहे हैं। जहाँ मर्जी है वहीं से निकल लो, छोटे मैदान पड़े हैं पत्थरों के। और ये देखो बालू रेत भी आ गई है यहाँ। रोड थोड़ी अच्छी आ गई है, तो अभी हम सरपट भाग लिए। देखो दो पहाड़ियों के बीच से होते हुए हम क्रॉस कर रहे हैं। क्या आ गया आगे? ब्रिज भी आ गया है छोटा सा। ओ ये रुक गई है। चल पुल, नया पुल पड़ रहा है उस तरफ। ये पुराना पुल है, काम जोरों शोरों से चला हुआ है, लेकिन इतनी हाइट पे आकर और काम करना भी विकट परिस्थितियों में। टेंटों में रह रहे हैं बेचारे काम करने वाले, बहुत ज्यादा ठंड होती है रात को। है और क्या, लेबर है ना, बहुत बुरी हालत है। हमारे तो आईटीबीपी में तो वी लुक आफ्टर सो मच। सही बात है, इनको क्या मिलता है, कपड़े ढंग के नहीं ठंड में, और सारे मल्ला का प्यार से आ रखे हैं ये। सारा रोड वोड वो ही बनाते हैं ज्यादा, कहाँ तक पहुंच रखे हैं। देखो एक नदी आ रही है कोई, ओहो बहुत बुरी हालत है, मिट्टी बड़ी जबरदस्त। हाँ गाड़ियां आ रही हैं धूल उड़ाती हुई, क्योंकि रोड टूट जाता है जो जो बर्फ गिरती है और ज्यादा आवाज आई रहती है। तो गाड़ी कैसे थर थरा रही है।
बीच में बादल हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये जो बारिश बुरिश का फ्रेश वाटर रुका हुआ है और ये देखिए सीनरी तो क्या गजब है। ये लोग अभी जो रात के रुके हुए थे वो वापसी कर रहे हैं, वो जा रहे उस पहाड़ में। छोटे छोटे दिख रहे हैं, बाइकर्स बहुत आते हैं आजकल। रोड तो है ही नहीं, कोई किधर से पगडंडी बना रखी है उधर से जा रहे हैं, कोई किधर से जा रहे हैं। जहाँ मर्जी है वहीं से निकल लो, छोटे मैदान पड़े हैं पत्थरों के। और ये देखो बालू रेत भी आ गई है यहाँ। ये देखिए अभी हम रोड थोड़ी अच्छी आ गई है तो अभी हम सरपट भाग लिए। देखो दो पहाड़ियों के बीच से होते हुए हम क्रॉस कर रहे हैं। क्या आ गया आगे, ब्रिज भी आ गया है छोटा सा। ओ ये रुक गई है, पुल नया पुल पड़ रहा है उस तरफ। ये पुराना पुल है, काम जोरों शोरों से चला हुआ है, लेकिन इतनी हाइट पे आकर और काम करना भी इतनी विकट परिस्थितियों में टेंटों में रह रहे हैं बेचारे काम करने वाले। बहुत ज्यादा ठंड होती है रात को है और क्या, लेबर है ना, बहुत बुरी हालत है। हमारे तो आईटीबीपी मैं तो वी लुक आफ्टर सो मच। सही बात है, इनको क्या मिलता है, कपड़े ढंग के नहीं ठंड में, और सारे मल्ला का प्यार से आ रखे हैं। सारा रोड वोड वही बनाते हैं ज्यादा, कहाँ तक पहुंच रखे हैं। देखो एक नदी आ रही है कोई, ओह बहुत बुरी हालत है, मिट्टी बड़ी जबरदस्त। हाँ गाड़ियां आ रही हैं धूल उड़ाती हुई, क्योंकि रोड टूट जाता है जो जो बर्फ गिरती है और ज्यादा आवाज आई रहती है। तो गाड़ी कैसे थर थर आ रही है, और आगे चले रहते हैं। जो जो गर्मी बढ़ती जाती है तो ऊपर की तरफ निकलते रहते हैं, और जो ये पश्मीना गोट होती है इनको लेके और अपने याक वगैरह पूरा काफला लेकर ये चलते हैं और इन्हीं में रहते हैं ये। और पहले इस एरिया में एक जानवर होता था जिसको मरमट कहते हैं, ऐसे नेवले की तरह जानवर होता है वो, यहाँ जैसे चूहा बिल करके रहता है ऐसे ही बिलों में रहते थे। और जब कोई भी पैसेंजर वगैरह यात्री वगैरह आते थे तो वो उनको खाना खिलाते थे, बिस्किट वगैरह बड़े शौक से खाते थे। जैसे कोई रुकता था तो भाग के आते थे, लेकिन अब वो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं है वो यहाँ से चले गए या उनका कोई टाइम होता है। पहले बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ हुआ करते थे। एक बात और भी हो सकती है, क्योंकि अब यहाँ कंस्ट्रक्शन का और आवाज़ भी बहुत बढ़ गई है, तो शायद वो डर के मारे ना निकलते हों। अब रोड काफ़ी बिजी रहती है, ये पहले कोई कोई आता था क्या। ये देखो इसके छोटे-छोटे, रोड अब अच्छी हो जाएगी शायद एक दो साल में। सही, अभी तो बहुत बुरी हालत है। ये बाइकर्स जा रहे हैं आगे, ये टांग से है। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं फिर, अभी हम ऊपर जाएंगे। अच्छा चांगला पास, चांगला दुर्बुक जाएंगे, दुर्बुक से चांगला।
चादर बुक से तंग जांग ला जाएंगे और ये है थांसी, नाम ही बड़े अजीब है भाई। सामने बर्फ दिखाई दे रही है, बादल बहुत सुंदर है। ये बीआरओ की हट्स हैं जो रोड बनाते हैं, बड़ी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। ये चाय की कुकर ले जा रहा था कैसे बांध के, खाना वाना ले जा रहा है। ओह माय गॉड, जाके मिलते हैं क्योंकि हर पहाड़ी को यहाँ कोई न कोई नाम दिया गया है और जो पासीज होते हैं उनको पूजनीय माना जाता है। तो वहाँ एक मंदिर भी है चांगला बाबा का, तो वही मिलते हैं। चांगपा एक ट्राइब भी है। क्या है? चांगपा ट्राइब है। अच्छा, उनका बाबा होगा फिर, वो उनका गुरु होगा। चांगला बोलते हैं क्योंकि चांगपा वाला एरिया है, इसको चांगपा बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत नजारा और आगे जाम लगा हुआ है, शायद लग रहा है आगे कुछ पत्थर पुत्थर गिरे हैं क्योंकि रात की ताजा बर्फ गिरी हुई है, तो उस जब बर्फ पिघलती है तो उसके साथ पत्थर भी लुढ़क जाते हैं। वहाँ से लेके यहाँ से लेके मुझे लगा है 2 किलोमीटर तक तो है, ये कब खुलेगा, वेट करनी पड़ेगी हमें। ये अक्सर पहाड़ों में ऐसा होता रहता है। अभी हम काफी देर से यहाँ खड़े हैं चांगला पास से 2-3 किलोमीटर पीछे, और आगे सड़क बन रही है। अभी धीरे धीरे ट्रैफिक चलना शुरू हुआ है। अभी चल पड़ा, चलो आखिर खुल ही गया। वो देखो बर्फ की दीवार पिघल पिघल के पानी नाले के रूम में नीचे जा रही है। जाने वाली गाड़ियों के लिए अभी इन्होंने रास्ता खोल दिया है, आने वालियों के लिए अभी बंद है। तो क्लियर हो गया, बड़ी मुश्किल से खुलवाया है। नीचे तकरीबन
तकरीबन तीन गाड़ियां लुढ़की हुई पड़ी हैं, एक दो तीन अस्थि पिंजर दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, पता नहीं कब से पड़ी हैं ये यहाँ से, कौन कबाड़ बीनेगा। सही बात है, यहाँ सांस लेना मुश्किल है, इसको किसने उठाना है। थोड़ी सी चूक हुई और गाड़ी गई। बहुत मुश्किल, पूरा रास्ता बर्फी बर्फ है, और हम हैं अभी पहुंचने वाला है चंगला पास। लोग एंजॉय कर रहे हैं ऊपर, और वो है चंगला पास, हमने उसको क्रॉस करके गाड़ी रोकी है और अभी थोड़ा उधर जाएंगे वहां तक। बेंगलोर से आए हुए हैं और नारे लगाए जा रहे हैं, ग्रुप है इनका पूरा बाइकर ग्रुप। ये देखिए जोश भरा हुआ है पूरा। ये एक एकड़ से चल पड़े हम, हमने चंगला पास कर लिया है क्रॉस। ठंड बहुत ज्यादा है, हम यहाँ नहीं रुक सकते, हवाएं बहुत तेज हैं। पीछे रह गया है वो उस तरफ, हाँ यहाँ कभी व्यापार हुआ करता था सिल्क रूट, लेकिन अब रोड बन चुकी है, व्यापार खत्म हो चुका है, लेकिन पास तो रहेगा ही। चलिए जी अब हम चलते हैं आगे, रास्ते बहुत खतरनाक है ये। ओ छोड़ हम पीछे, रोड बन रहे का काम चल रहा है, इसलिए बीच बीच में जाम भी लगे हुए हैं, रुक रुक के गाड़ियां रेंग रही हैं। डोजर वोजर सब लगे हुए हैं, अभी धीरे धीरे हम नीचे उतर जाएंगे, और काफी नीचे चले जाएंगे। वो जो दिखाई दे रही है नीचे, ऐसे घूम घूम के घूम घूम के, इतना सुंदर दिख रहा है पहाड़ों में रोड, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत। मौसम खराब हो रहा है और ऊपर पहाड़ियों पे बर्फ गिर रही है, और शायद नीचे जाते जाते हमें भी बर्फ का आनंद उठाने का मौका मिल जाए, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ आने के बाद गिरती हुई बर्फ नहीं देखी थी। तो देखते हैं, ये इलाका है भेड़ियों का और स्नो लेपर्ड का। आपने कब देखे थे स्नो लेपर्ड धन साहब? मैंने ये ऊपर पहाड़ियों में रहते हैं बर्फ में, लेकिन मैंने फिल्म में देखा है। फिल्म में देखा है? कौन सी फिल्म में देखा है? भेड़िये देखे मैंने। अच्छा भेड़िये देखे, भेड़िये की पूरी फैमिली इसी इलाके में। अच्छा रोड क्रॉस करके ऊपर गई। अच्छा किस सन में देखे आपने ये? मैंने देखे 2011 में। अच्छा हम उधर से मोड़ काट के इस तरफ आ गए हैं, और बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है। यहाँ जगह का नाम है जिंगराल, जिंगराल जगह का नाम है ये, और हम जिंगराल के करीब से जा रहे हैं। वहाँ आर्मी के कैंप है। आर्मी का तो काम ही है यहाँ पर, किसी ने तो सबको बचा रखा है। तो ये तकरीबन टनल कहाँ बन रही है। और चांगला से चल के हम आ गए हैं शक्ति गांव के ऊपर। यहाँ हमने रात को रुकना था, लेकिन मौसम बहुत खराब हो गया था और रोड बहुत खराब थी, तो हम रुक गए थे पेंगोंग लेक पर।
थोड़ा गांव है शक्ति और फसलें बहुत सुंदर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। शायद यहाँ सरसों हैं, पीले फूल दिखाई दे रहे हैं किसी चीज के हमें, और गेहूं है जो है ये देखो जगह जगह पीली पैच दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर गांव है और यहाँ ठीक से मोनेस्ट्री यही है ना। अच्छा, इसको क्रॉस करके हम ठीक से मोनेस्ट्री में जाएंगे, शक्ति गांव को पार करके। हम शक्ति गांव को पीछे छोड़ आए हैं और ये आ गया कारू गांव। तो ये तकरीबन मुझे लगता है होम स्टे वाला हिसाब किताब है, होटल और काफी कुछ हट वगैरह यहाँ बना रखी है। सारे पहाड़ों की परिक्रमा कर ली है और ये हमारा अब ले वापसी का शेड्यूल चल रहा है। बस ये ठीक से मोनेस्ट्री देखेंगे और फिर हम शाम तक ले पहुंच जाएंगे घूम गांव के। चांगला पास से चल के हम पहुंच गए हैं ठीक से मोनेस्ट्री और अभी थोड़ा सा फ्रेश होंगे, थोड़ी सी चाय पानी पियेंगे और फिर हम इस मोनेस्ट्री की सैर आपको करवाएंगे। ये इस तरह से व्यू है, बहुत ही सुंदर। ये इसका गेट है, इस गेट से हम अंदर आए थे। ये जैसे हमारे मंदिर हैं तो वो बुद्धिस्ट के ये मंदिर समझो, यहाँ लामा पढ़ाई करते हैं और वहीं रहते हैं। अच्छा हाँ, गर्मी हो गई है, हम अपनी मोटी मोटी जैकेट उतार देते हैं। आ गए हैं चंबा होटल एंड रेस्टोरेंट। ये हमारे ले से एक फैमिली फ्रेंड है तो हम थोड़ी सी यहाँ चाय पानी पी लेते हैं और धर्म चक्र को घुमा लेते हैं। ये देखिए ओम माने पद्मे होम, ये घुमाना बहुत जरूरी है। ओ अंदर बहुत ही सुंदर है, देखिए ये झालर से लगाते हैं, बहुत सुंदर है। कैसा लगा? यस हाँ, हम आ नहीं पाए पर आना, जहाँ जहाँ का दाना पानी लिखा होता है वहाँ पहुँचना जरूरी है। कल हमारा यहाँ रहने का इंतजाम था लेकिन पीछे रोड बहुत खराब थी और हम वहीं रुक गए थे लेक पर ही। चलो तो अंदर से थोड़ा दिखाते हैं आपको, हम भी थोड़ा चाय पानी ले लेते हैं। बफे लगा हुआ है, टूरिस्ट बैठे हैं अपनी गजीबो के नीचे। हाँ काफी बड़ा होटल है, बहुत सुंदर कलरफुल तो वैसे ही रहता है इनकी हर चीज। खाना बड़ा टेस्टी था, सूप था और अचार, हरी मिर्च, फ्राइड राइस, दाल तड़का और कड़ी कोफ्ता, मंचूरियन और रायता, नूडल्स और अभी हम ले रहे हैं कस्टर्ड। मेरा भी डाल दो बेटे, और नान। शानदार बहुत था खाना है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया खाना, बहुत अच्छा था, टेस्टी सारी चीज़ बिल्कुल। तो ये ले लिया हमने कस्टर्ड और अभी बैठकर खाएंगे उस तरफ, फिर हम ठीक से मोनेस्ट्री जाएंगे। और तो क्या, थोड़ा साफ सुथरे टेबल पे बैठते, बाहर भी बहुत सुंदर डिजाइन है। अभी हम खाना वाना खा के निकल रहे हैं होटल से बाहर और ये फिर घुमा देते हैं हम।
है। और चलते हैं सामने मोनेस्ट्री में। और ये फूल तो मेरी जान है, मुझे बहुत प्यार है, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ से जाएंगे, अच्छा, और इसका नाम भी ठीक से है गांव का, और गांव के नाम पर मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री के बिल्कुल पास जाने के लिए हमें 1.5 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, और उसके बाद हम मोनेस्ट्री में पहुंचेंगे। लग तो वो बिल्कुल नजदीक रही थी, लेकिन वैसे दूर है, ये घूम घूम के जाना पड़ेगा। ये उसी की दीवार है मोनेस्ट्री की, मोनेस्ट्री के मेन गेट पर। He is member of the committee also. तो यहाँ हमने गाड़ियाँ रोक दी हैं और नीचे उतर लेते हैं। चलो और आगे चल पड़े हैं हम। हमने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया है। ओ, सांस तो यहीं चढ़ गया। तो हमने गरम चक्र को घुमा दिया है। बस ज्यादा नहीं, और अब चलते हैं और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर। चलो आ जाओ, मेरी और थोड़ी घुमा, आज वहां जाना है, हमने वहां पहुंचना है, बहुत टाइम लगेगा। पहनाया आपको खतक? अच्छा, ये किस सिल्क का बना होता है? सिल्क में होता है ये? जूते नहीं निकालने दी। ये ओनर में यहाँ जैसे हमारे शॉल देते हैं, ऐसे खतक होता है, एक सिल्क का कपड़ा जिसमें कुछ डिजाइन बना होता है इस तरह का। ये शंख, फूल, मछली, और ये गोल, और ये इसमें लिखा भी होता है। कुछ कुछ लिखा होता है, शतीर, और उसकी है लकड़ी पूरी पतली पतली लकड़ी की। बहुत ही सुंदर, और चाय आ गई है हमारी, अभी चाय पी लेते हैं हम, फिर आगे का सफर तय करते हैं, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थक गए। ये हमारे साथ आए हैं फैमिली फ्रेंड। चलो जी चाय पी लो। लामा जी हमें पूरा दिखाएंगे, हम इनके साथ साथ चलते हैं ऊपर। और मेरी बैटरी बस जाने वाली है, देखो कहाँ तक ये कर पाती है कवर, तो वहीं ब्लॉक एंड हो जाएगा फिर। ये कुछ पूछ रहे हैं इनसे। ये हम आ गए हैं मेन मूर्ति के पास, ह्यूज मूर्ति, और हम परिक्रमा कर लेते हैं इनकी। पूरा गोल्डन कलर से कलाकारी की हुई है इसमें। ये भी दिया स्टैंड है इतना बड़ा, बहुत ही। ये आ गए हम तारा टेंपल में।
ये ग्रीन तारा नाम की देवी है। ये देखिए मेन मूर्ति, और इसके अलग अलग रूप है। ये आसन और टेबल रख रखे हैं जहाँ की लामा लोग अपनी पढ़ाई करते हैं। और ये महात्मा बुद्ध की मूर्तियां रखी हुई हैं अलग अलग मुद्राओं में। हर एक की मुद्रा अलग है। और ये इनके धर्म गुरु हैं दलाई लामा जी। और ये काली माता की है अलग अलग रूप में। यहाँ एक बहुत बड़ा फंक्शन भी होता है, काली माता का मंदिर भी है एयरपोर्ट के पास। तो इस तरह से ये देखिए, तो